अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर देखें ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं चैट्स अपडेट, कम्युनिटी कॉल्स। आप काफ़ी दोस्तों को ये अपडेट जो है वो अच्छी लग रही है, काफ़ी दोस्तों को ये अपडेट जो है वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनको ये वाला जो सिस्टम था उनको ये पसंद था। चैट स्टेटस कॉल, यहाँ पर सिंपल स्टेटस पर क्लिक करते थे, स्टेटस ही होते थे, और यहाँ पर कॉल पर क्लिक करते थे तो कॉल का ऑप्शन आ जाता था। अब काफ़ी दोस्तों को इससे उलझन भी हो रही है, काफ़ी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है। जिन दोस्तों को अगर इससे उलझन हो रही है वो ये चाहते हैं कि ये वाला सारा सिस्टम वही पुराना हो जाए और उसी तरह से वापस आ जाए जिस तरह से ये पहले था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको अभी करके देखता हूं किस तरह से आपने इसको ऊपर लेके आना है व्हाट्सएप के स्टेटस और कॉल वाले सिस्टम को। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मुर्तजा खान, आप देख रहे हैं बाबू ऑनलाइन 123 चैनल। पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने ये वाला सिस्टम किस तरह से ऊपर लेकर आना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर एक सेटिंग करनी है। सेटिंग कौन सी आई आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना है, जिससे आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। तो प्ले स्टोर को आपने जब इस तरह से खोलना है तो आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा नेटवर्क परफॉर्मेंस, इस पर आपने क्लिक करना है। जिस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये देखें ऑटो अपडेट्स ऐप्स जो है वो ये आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखें मोबाइल डेटा, और यहाँ पर ये सेट है अपडेट विद लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मोबाइल डेटा, यहाँ पर ये देखें ये सिलेक्ट हुआ है। आपने सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। जब इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने यहाँ से इसको बैक कर देना है। बैक जाने के बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से सर्च करना है व्हाट्सएप, यहाँ पर ये देखें जी व्हाट्सएप, मैं इस तरह से इसको सर्च कर लेता हूँ, व्हाट्सएप आ गया। आपने यहाँ पर इस तरह से इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे अब दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। अगर अपडेट हो चुकी है तो आपको ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पर आपको एक अनस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इसको इस तरह से इसे अनस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर इसको अनस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जनाब कुछ जनाब वो आपकी ऐप जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो जब ऐप आपकी डिलीट हो जाए तो आपने जनाब सिंपल सी बात है आपने जाना है क्रोम ब्राउज़र में। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, तो आपने ओल्ड वर्जन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। कुछ ऐड्स होंगे इसको आपने कट कर देना है। यहाँ पर ये देखें ऊपर से आपने इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको यहाँ पर सी मोर का एक ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपने और ऊपर चले जाना है इस तरह से, फिर आपको एक दफ़ा सी मोर का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा और ऊपर चले जाना है। जैसे इस पर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप का वर्जन मिलेगा, यहाँ पर 26 जनवरी 2024 का है 2.4.3.118, ये वाला वर्जन आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। आपने इस तरह डाउनलोड पर क्लिक करके आपने डाउनलोड एनी वे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड एनी वे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिटेल शो होगी, आपने डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर ये देखें ये हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड हो रही है, मैंने ऑलरेडी ये पहले डाउनलोड की हुई है, आपने इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये देखें अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा। क्योंकि मैं अभी व्हाट्सएप अपनी डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काफ़ी सारा उसमें डाटा मौजूद है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर एंटर करना है, नंबर एंटर करने के बाद आपने वहाँ पर सिंपल आपने जो है वो कोड आएगा वेरीफाई, जैसे आप कोड वेरीफाई करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप कॉल स्टेटस का ऑप्शन है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को ठीक कर सकते हैं, अगर आपको ये न्यू अपडेट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा तो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।